ये फोर्थ सेमेस्टर का जो है आपका प्रैक्टिकल आया हुआ है और इसको जो है हम सब लोग तैयार करवाएंगे वर्कशॉप के अंदर, कार्यशाला के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है यहाँ से 70 mm है और दूसरा यहाँ पे ये दे रखा है टोटल 35 mm और इसके अंदर बीच में ये कट दे रखा है 15 mm का। टोटल जो है आपका 35 है और इसमें दो पार्ट्स बने हुए हैं, ए और बी दो पार्ट्स बने हुए हैं और इसी को हम फिटिंग कराएंगे वर्कशॉप के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी जो मोटाई जो है 10 mm है और यहाँ पे इसका रेडियस भी दे रखा है जो आपका रेडियस 10 दे रखा है और इधर भी ये देखो एक्सटर्नल जो है बाहर का रेडियस जो है 10 दे रखा है। और अब हम आपको दिखा सकते हैं, दिखाएंगे कि इसमें जो है दो पार्ट्स जो आपको दिखाए थे जिस तरीके से, ये दो पार्ट्स ए और बी, तो इसी तरीके से हमारे पास ये दो जॉब हैं ये। अब इन्हीं से हम इस जॉब को कंप्लीट करेंगे और देख सकते हैं आप उसमें ये एक साइड दो साइड हैं जो हैं, एक ये साइड और दूसरी ये साइड तैयार कर रखी है और एक सरफेस तैयार कर रखा है और इसको हम 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। ये ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आप सब लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल 90 डिग्री पे परफेक्ट हैं। अब इसमें जो है हम वाइट वॉश करके और तरीके से इस पर पंचिंग करेंगे ताकि हमारी जो हमने मेजरिंग की हुई है, मेजरिंग को पक्का करने के लिए हम डॉट पंच की सहायता से पंचिंग क्रिया करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे केवल एक ही आपका दो साइड हैं और एक सरफेस अभी तैयार हुआ है। इसी तरीके से ये दूसरा भी जॉब है, इसकी भी दो साइड हैं और एक सरफेस तैयार हुआ है और अभी इसको जो है हम वाइट वॉश करेंगे मार्किंग मीडिया के द्वारा और मार्किंग मीडिया के बाद फिर हम मेजरिंग टूल्स की सहायता से उस पर जो दी गई ड्राइंग, जो हमारी ये ड्राइंग दी गई है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है मेजरिंग करके और मेजरिंग को मजबूत पक्का करने के लिए, ताकि हम फाइलिंग क्रिया करें उससे मिट ना जाए, उसके लिए हम जो है यहाँ पे डॉट पंच की सहायता से मेजरिंग को पक्का करते हैं। तो आगे हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलते हैं। ये कर रहे हैं सारे बच्चे, जैसे कि ये सरफेस बना रहे हैं। और वर्कशॉप के अंदर ये विभिन्न मशीनें लगी हुई हैं, जैसे कि ये ग्राइंडर है, सरफेस ग्राइंडर, ये लेथ मशीन है और इस तरीके से ये कई बहुत सारी लेथ मशीनें यहाँ पे, ये देखिए ये अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, ये सारी मशीनें लगी हुई हैं। और इधर भी ये देखो बड़ी सी लेथ मशीन, जर्मन टाइप की मशीन है, काफ़ी बड़ी मशीन है ये। क्या साइज इसका? 70x55 mm। 35 है, ठीक है। तो आप सरफेस तैयार कर रहे हैं इसका? ठीक है, बिल्कुल। सभी छात्र लगे हुए हैं। सभी बच्चे सरफेस बना रहे हैं जो अपने। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब आप देख सकते हैं इसको, ये कुछ हमने इसमें काम करा है, ई फिटिंग है ये डॉट पंच दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो है हमने पहले हैक्साइंग से हैक्सा से ये कटिंग की दोनों, ये कटिंग की दोनों, उसके बाद ये इसका एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब ये जो इस तरीके से कुछ इसमें फिट होगा, लेकिन अब ये अनकम्प्लीट है, अभी पूरा कम्प्लीट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और अभी इसको कम्प्लीट करते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, ये बेंच वाइज में यहाँ पे इसको लगाते हैं, ये यहाँ पे इसको कस लिया और इसी के साथ साथ आप इस पर जो है स्क्वायर फाइल की सहायता से, ये स्क्वायर फाइल है, इस फाइल की सहायता से, स्क्वायर फाइल की सहायता से इस पर फाइलिंग करते हैं, ये इस तरीके से फाइलिंग करते हैं इस पर। और धीरे धीरे ये मेटल ख़त्म होता जाएगा जहाँ तक हमारा डॉट पंच लगा हुआ है वहाँ तक। इस तरीके से लगातार से फाइलिंग होती है और फाइलिंग करने के बाद दोनों पार्ट्सों को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये
अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, पर ये हम इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं कुछ ये जॉब बनाए हैं बच्चों ने, कुछ अनकंप्लीट हैं अभी, जैसे ये भी फिट नहीं हुआ है, इसको इसमें थोड़ा सा काम रह रहा है। बाकी ये है कि इसमें फिनिशिंग रह रही है थोड़ी सी, और ये काफ़ी काम कर दिया है बच्चों ने, लेकिन अभी पूरी तरीके से फिट नहीं आ रही है। और इसका पूरा ये सरफेस अभी साफ किया जाएगा फिनिशिंग फाइल से, ये पूरा कंप्लीट जब होगा। इसी तरीके से कुछ एक ये जॉब है, ये कुछ फिट हो गया है लेकिन इसकी जो है फिनिशिंग सही तरीके से नहीं आई, इसमें ये गैप दिखाई दे रहा होगा, तो ये अनकम्प्लीट जॉब कह सकते हैं, ये पूरा सही से नहीं बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये फिटिंग बनाई है बच्चों ने, ये कुछ एक ये दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके से, इसमें भी काफ़ी गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए, जो इसमें गैप दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से जो गैप है वो नहीं दिखाई देना चाहिए, ये भी अभी अनकम्प्लीट है। और कुछ इस तरीके से दूसरा ये चौथा जॉब है, ये काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक कह सकते हैं हम इसको, लेकिन ये पूरी तरीके से फिर भी सही नहीं है। ये ई फिटिंग था जो बच्चों ने काफ़ी अच्छे और मेहनत से बनाया, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं, पूरी तरीके से बन नहीं पाया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियस भी दे रखा है बच्चों ने, ये रेडियस है जो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसका रेडियस है, और ये फिटिंग बना रखी है बच्चों ने काफ़ी अच्छी बनाई है फिर भी, ये जैसे आराम से ये फिट हो जाए। कुल मिला के ये 4-5 पीस बने हैं अभी, कुछ कंप्लीट हैं कुछ अनकंप्लीट हैं, ये हैं कुछ इस तरह।